7 अप्रैल रविवार को सुपेला चौक भिलाई में आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग ने अरविंद केजरीवाल के जेल में डालने के विरोध में प्रार्थना सभा व उपवास कार्यकर्ताओं ने रखा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय अनुसार 7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फर्जी प्रकरण में जेल में डालने को लेकर देशव्यापी विरोध में आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग के कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रार्थना सभा कर उपवास रखे, जिसमें रघुपति राघव राजा राम एवं श्री राम जय राम जय जय राम का पाठ भी किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सामूहिक नारे लगाए, जिसमें जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे एवं भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल शामिल है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय के पास कोई सबूत नहीं मिला है और भाजपा के खिलाफ 60 करोड़ शराब घोटालों में मनी ट्रेल की सबूत की जानकारी होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे से यह साफ हो गया है कि बीजेपी सरकार चंदा दो धंधा लो की नीति चला रही है, ऐसा आरोप आपके कार्यकर्ताओं ने लगाया है। 7 अप्रैल रविवार को पूरे प्रदेश, पूरे देश और प्रदेशों में भारत के जो अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों को जो जेल में रखा है उनके जल्दी छूटने की कामना करते हुए आज पूरे देशव्यापी उपवास रखा गया है। उसी कड़ी में रायपुर की राजधानी और दुर्ग जिले में भी कार्यकर्ताओं द्वारा इस उपवास को सब हम सब बैठे हुए। मोदी जी जिस प्रकार से डर गए हैं वो डरना भी चाहिए। जिस प्रकार से चंडीगढ़ में चुनाव में उन्होंने महापौर के चुनाव में हेराफेरी करी उससे साफ उनका डर दिखा। उसके पहले MCD चुनाव जीता दिल्ली ने, उसके पहले पंजाब चुनाव जीता दिल्ली में, दिल्ली चुनाव जीता वो भी सुपड़ा साफ कर दिए, तो डर तो उनका जायज है। अब उनके पास में चुनाव प्रणाली लोकतंत्र के माध्यम से वो राज तो कर नहीं सकते, उनको तो जनहित का काम करना नहीं है, तो ये डर तो उनको करना था। तो उन्होंने ईडी को आगे करके बिना कोई सबूत के सत्यन जी को 2-2 साल तक जेल में डाल दिया। अरविंद जी के खिलाफ एक सबूत नहीं मिला। जो रेड्डी गवाह जिनको उन्होंने 9 बार पूछने पर भी इसने नाम नहीं लिया, उसको उन्होंने गवाह बनाया और उसमें उन्होंने घूस लिया पार्टी ने। ईडी को तो मनी ट्रेल मिल गया तो भी वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, ना ले पाएंगे। क्या वो नड्डा जी को अंदर करेंगे? नहीं करेंगे। तो आज हम लोग पास में बैठे हैं। मोदी जी डर गए हैं, ये पूरा देश समझ गया है और ये डर उनका हमको जायज भी लगता है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी इतने तेजी से राष्ट्र पार्टी का दर्जा प्राप्त की है और वो भी सिर्फ हल्के में नहीं, 2-2 राज्यों में भारी बहुमत से लोकतंत्र में लोगों ने उनके काम को देखते हुए जीता है। स्वास्थ्य में, रोजगार में, शिक्षा में, सभी क्षेत्रों में उनका पढ़ा लिखा व्यक्ति है और चौथी पास व्यक्ति क्या काम करेगा। फिलहाल आप कार्यकर्ता बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से उपवास करके और राम नाम जपकर अपने नेतृत्वकर्ता अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा केंद्रीय शासन पर इनके इस उपवास का क्या असर पड़ता है। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।